हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लाए हैं स्प्लेंडर एक्स टेक। तो हम बात करेंगे कि जो सिंपल स्प्लेंडर आती है और जो एक्स टेक है उसके अंदर क्या क्या फीचर जो है कंपनी ने ज़्यादा दिए हैं या कुछ फीचर कम किए हैं, किस प्राइस रेंज में ये आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें कुछ फ्रंट लुक से, तो यहाँ पे अपने को एलईडी देखने को मिल जाती है, यहाँ अपने को हैलोजन जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपने को नंबर प्लेट का जो स्पेस है वो देखने को मिल जाता है। और ये देखिए, जैसे कि ये जो सिंपल स्प्लेंडर आती है उसके अंदर अपने को पूरा डार्क मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर अपने को यहाँ पर ग्राफिक्स जैसे ब्लू कलर की जो पट्टी है वो देखने को मिल जाती है। और अगर देखते हैं कि जैसे ये जो लाइट है ये स्टार्ट करने पर ये दोनों एक साथ ही चालू हो जाती हैं। और जो एक्स टेक है उसके अंदर जो अपना इंडिकेटर जो अपने को दिया गया है वो अपने को, ये जो इंडिकेटर का जो सामने का पोर्शन है ये अपने को रेड कलर का नहीं दिया गया है, ये अपने को पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट दिया गया है। और अगर बात करें कुछ साइड लुक की, तो साइड लुक के अंदर अपने को यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और जो ये ब्लू कलर का ग्राफिक्स है ये देखिए, मतलब जो सिंपल है जो स्प्लेंडर आती है वो पूरी ब्लैक आती है, इस पे जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे अपने को पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ FI टेक्नोलॉजी जो कि हीरो की तरफ से आ रही है। ये जो इंजन है ये 97.8 cc का इंजन जो हीरो की तरफ से स्प्लेंडर में अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को एक्स टेक की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है अपने को, यहाँ i3S की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ साइड के अंदर अपने को जो है फुट रेस्ट मिल जाते हैं। और कंपनी की तरफ से कुछ इस प्रकार की सिंपल सी की जो पहले से चली आ रही है वो ही की अपने को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज जो किया गया है वो किया गया है डिजिटल मीटर का। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अपने को डिजिटल मीटर मिल जाता है इसके अंदर, और जो ये डिजिटल मीटर है इसके अंदर अपने को मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जैसे कि ये कॉल का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ अपने को बैटरी की वगैरह मिल जाती है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ किसी का फोन आ रहा है तो जैसे ये फोन दिखा देगा कि कॉल आ रहा है, या 0. मतलब किलोमीटर वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपन मोड सेट कर सकते हैं इसका, जैसे कि ट्रिप ए ट्रिप बी, तो इस प्रकार के। यहाँ अपने को इंजन की जो सर्विस लाइट है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ न्यूट्रल की जो लाइट है वो मिल जाती है, यहाँ फ्यूल इकोनॉमी अपने को पता चलती है अपने, जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पे भी अपने को फ्यूल इकोनॉमी पता चल जाती है। ये साइड स्टैंड का है, जैसे ही अपन देखो जैसे साइड स्टैंड ऊपर करेंगे ये लाइट यहाँ से इनविजिबल हो जाएगी। और ये कुछ है, यहाँ अपने को इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है, ये अपने को जैसे कि स्टार्ट करते हैं एक बार, स्टार्ट करने पर जैसे ये जो सिस्टम है ये अपने का जैसे डीपर का है तो ये डीपर का देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ये जो एलईडी लाइट है जैसे कि ये हमेशा जैसे ऑन रहती है, ये एलईडी लाइट ऑन रहती है, ये जो हैलोजन बल्ब अपने को दिया गया है ये मतलब ऑलवेज ऑन रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको फीचर बताया था कि जब तक साइड स्टैंड लगा रहेगा बाइक अपनी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, पावर कट आउट हो जाती है। तो देखिए, जैसे कि अब स्टार्ट कर लिया हमने और ये डाल दिया हमने इसको गियर में, तो गियर में डालने के बाद जैसे ही अपन स्टैंड नीचे करेंगे ये देखिए इंजन अपने आप ऑटो कट हो जाता है, अपने आप इंजन जो है वो पावर ऑफ हो जाता है। और अपने को यहाँ कुछ जो है यहाँ पे अपने को चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है देखने को। और ये देखिए, जो पहले जो स्प्लेंडर जो सिंपल आती थी उसके अंदर जो लॉक का सिस्टम आता था वो थोड़ा मतलब डाउनवर्ड आता था, लेकिन अभी इसको अपवर्ड कर दिया गया है थोड़ा सा। यहाँ पे अपने को i3S के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ अपने को सेल्फ का जो स्टार्ट बटन है पावर स्टार्ट बटन है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ अपने को कुछ इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ अपने को हॉर्न देखने को मिल जाता है, यहाँ अपने को जो डीपर है उनके स्विच जो है वो अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो जो ओवरऑल लुक है जो एक्स टेक की, वो जो सिंपल स्प्लेंडर है उससे मुझे मच बेटर लगी, लेकिन जो डिजिटल मीटर है वो मतलब जो सिंपल मीटर था उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बात करें अगर कुछ बैक लुक से, तो जो पहले जो स्प्लेंडर आती थी सिंपल स्प्लेंडर उसका जैसा ही सेम टू सेम लुक दिया गया है, इसके अंदर पीछे से कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे बस ओनली जो चेंज है वो केवल इंडिकेटर्स के अंदर किया गया है, जो कि अपने को ट्रांसपेरेंट जो कवर है इंडिकेटर का वो देखने को मिल जाता है। बाकी की जो बिल्कुल जो डार्क एडिशन वाली स्प्लेंडर थी उसका पूरा अपने को लुक वही देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये जो सिंपल स्प्लेंडर आती है उससे लगभग 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा आती है, ये 90,800 रुपये की अपने को ऑन रोड प्राइस पड़ती है, जो कि अब फतेहपुर के अंदर जय भवानी हीरो मोटर का जो शोरूम है उसके ऊपर है। और अगर इसकी बात की जाए, तो इसके अंदर जो अपने को ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है वो आजकल जो आ रहा है जिसके अंदर FI टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब अपने को इसके अंदर भी अपने को कॉम्बोई जो ब्रेक है वही देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें इसके कलर्स की, तो इसके अंदर अपने को कलर ऑप्शन जो है वो दो देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ भी,
मिलता तो अपने को डार्क एडिशन है, लेकिन जैसे यहाँ पे अपने को जो ब्लू कलर की पट्टी मिलती है वो अपने को यहाँ पर ब्राउन कलर की देखने को मिल जाती है। और बात करें इसकी एवरेज की तो जो सिंपल स्प्लेंडर है उससे 20% ज्यादा इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है। और अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो इसके अंदर अपने को 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और को 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अपन। और बात करें कंपनी की तरफ से अपने को एक हेलमेट, हैंडल ग्रिप और जो सीट कवर है वो अपने को एज ए एसेसरी फ्री मिलता है। और स्प्लेंडर एक्सटेक के अंदर अपने को जो सीट है वो डुअल टोन में देखने को मिल जाती है। अभी इसके ऊपर सीट कवर लगा हुआ है, वरना मैं आपको दिखा। अगर अभी तक आपने HF Deluxe की वीडियो रिव्यू नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर टैप करके आप वीडियो जरूर देखें और इंजॉय कीजिए। ऐसी कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।